Hello everyone. So today we were planning to go to a place which is newly opened in Kolkata. So we were on my way and yes, we reached the place. Itna kuch khas jagah nahi hai. It's just beside the road near New Town. So ye hai wo park jahan pe hum plan kiye the aane ke liye. And this is like an aircraft museum, but museum kuch hai nahi, bas ek aircraft khada kar diya hai. वो भी नहीं पता मुझे कि सही का एयरक्राफ्ट है, मतलब इट्स अ ट्रू वन और इट्स जस्ट बिल्ट अप हियर. लेट्स सी. फिलहाल तो दे हैव टेकन अ टिकट ऑफ 30 rupees ईच फॉर ईच पर्सन. एंड वो सामने माय मॉम एंड माय नानी इज वॉकिंग. नानी बेचारी चल नहीं पा रही है. एयरक्राफ्ट देख देख के मैं थक गई हूँ. बट हाँ, एक नया चीज़ कोलकाता में, छोटा सा, तो सब वही देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. एंड गुड स्पॉट फॉर किड्स. चलो चलो भेतर चलो तो देख दे. चलो गुरु की निया से बोलो तो ए आमी नाल में थोड़ा कर बे आमी की. चलो चलो भेतर उठ जा हवा सीढ़ी बे बे. अंदर जाऊंगी मैं देखने के लिए कि अंदर कुछ है भी कि नहीं. सो लेट्स गो इनसाइड एयरक्राफ्ट. सो ये हम अंदर जा रहे हैं. यहाँ पे वीडियोस एंड फोटोज अलाउड नहीं था, पर मैंने चुपके से एक क्लिप ले लिया आप लोगों के लिए. सो एज पर देयर क्लेम, मैंने इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा है, बट दे आर सेइंग दैट इट इज़ अ फाइटर प्लेन विच वॉज ऑल्सो यूज इन कारगिल वॉर. एंड उन्होंने यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट को पार्ट पार्ट्स में लाए हैं एंड दे हैव रीबिल्डेड एंड रीमॉडल्ड इट फॉर टूरिस्ट प्लेस करने के लिए, मतलब छोटा सा शाम को विजिट करें लोग आके. एंड दैट्स इट, स्पॉट टू विजिट एंड चिल, इसीलिए ये लाए हैं यहाँ पे. एंड बाकी अंदर का पार्ट सेम है, द इंजीनियरिंग पार्ट, जो भी वायरिंग एंड ऑल इट्स एक्यूरेट द सेम. जस्ट थोड़ा सा रिमॉडलिंग क्या है कि ताकि अंदर से लोग चल पाए. एंड जितना गाइज मुझे देख के लगा, जितना मुझे फील हुआ, द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट इज़ एक्चुअली अ रियल वन, लाइक ऐसा नहीं है कि फेक है. एंड यू कैन सी यहाँ पे रिटन है सब कुछ, लाइक क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज़ द एयरक्राफ्ट, विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड व्हेन इट वॉज यूज एंड ऑल. सो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए लिया है. एंड मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ रिसर्च या कुछ पढ़ा नहीं है, सो आई विल बी अ रॉन्ग पर्सन टू स्पीक इन डिटेल्स अबाउट इट. बट हाँ, इट इज़ अ गुड थिंग दे हैव डन. हो गया हमारा ये घूमना. अब मैं जा रही हूँ गाड़ी निकालने. एंड इसके बाद प्लान तो है एक्सिस मॉल जाने का, बट लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है. एंड मैं ये भी सोच के हूँ कि नेल एक्सटेंशन करूँगी, पर फिर ऐसे भी लग रहा है कि कर लूँ फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. आर्मिंग डिजार्मिंग के टाइम अगर फिर से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो क्या करूँ. तो वही, लेट्स सी, अगर हो सकता है तो मैं नेल एक्सटेंशन करूँगी. जो भी करूँगी आपसे शेयर करूँगी. तो यही है विश्वामित्र गेट एंड सब आ रहे हैं दूर दूर से बस वही एयरक्राफ्ट को देखने के लिए. मुझे भी दिखना था इतना खास क्या है. गाड़ी पे आके एसी ऑन किया. गर्मी में बेहाल हो गई हूँ. एंड कोलकाता में इट्स एक्चुअली वेरी हॉट. एंड आल्सो वी हैव रीच्ड एक्सिस मॉल. चलो चलो चलो. फाइनली आई एम इन एक्सिस मॉल. आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द डे एंड हाउ आई स्पेंड इट. एंड यहाँ पे एक नया जूडियो का स्टोर खुला है, तो आई वाज ट्राइंग दिस कुर्ती एंड मुझे बहुत पसंद आया. आई ऑल्सो लाइक दिस सेट, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज इट वॉज नॉट इन माई साइज. एंड यस, थोड़ा मोड़ा शॉपिंग किया एंड बस दैट्स इट. अब थोड़ा चाय कॉफी, बट दैट्स इट. गो हो, खाओ तो खाओ.
सो फाइनली वे डन, मैं बस भाई के लिए मोमो लूंगी और फिर घर जाऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे।